देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, स्टेट फोर डिफरेंट वेज इन विच थ्री रेसिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर ईच मे बी कनेक्टेड इन सर्किट। चार अलग अलग तरीका जिससे सर्किट में हम लोग तीन रेजिस्टर को कनेक्ट कर सकते हैं। एक तो कहोगे सर तीनों को सीरीज में आर आर आर, दूसरा कहोगे तरीका क्या हो गया सेकेंड वेज तीनों को पैरेलल में, हाँ है ना। और एक तरीका है एक सीरीज बाकी ये इसके पैरेलल में, सही है। एक और सिखाया था आपको जिसको मिक्सअप का नाम दिए थे है ना, दो सीरीज में रहेगा और उसके पैरेलल होगा तीसरा, ठीक है। यही चार तरीका है जिससे आप तीन रेसिस्टर को कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी सर्किट में, ठीक है ना। ये चार तरीका हो गया। उसके बाद आपको मैंने कहा था मैक्सिमम प्राप्त कब होता है जब तीनों को जोड़ते हैं सीरीज में, और मिनिमम कब होगा जब तीनों को पैरेलल में। इसका मतलब एक दो तीन चार केस में ये चार तरीके से हम लोग कनेक्ट करेंगे। और आपको हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं, पिछली बार बोल रहे हैं इस दोनों का यूज तब करना है जब जो प्राप्त करने वाला रेजिस्टेंस है वो ना तो सबसे कम हो और ना सबसे अधिक हो, है ना। इसका यूज कब करते हैं, जब मैक्सिमम प्राप्त करना हो तो सीरीज में, प्राप्त करना हो मिनिमम तो पैरेलल में। और ये दोनों का यूज कब करते हैं, जब आपका ना तो मैक्सिमम आ रहा हो ना मिनिमम। जैसे कि हम मैं आपको पहले क्वेश्चन भी दिए हमें जो यहां पर तीन रेजिस्टर को कनेक्ट करना है और तीनों कितना है 66 ओम का, उसे किस तरह जोड़े कि रिजल्टेंट मिले 9 ओम और रिजल्टेंट मिले 4 ओम, तीसरा मान लेते अभी हम सपोज कीजिए 18 ओम, चौथा मान लो अपने मन से हम मान लेते सपोज कीजिएगा 1/6, 1/6, 1/6, 1/2, 1/2, 2, 2, ठीक है। चलिए तीन रेजिस्टेंस 6 ओम का है, तीनों से कम कौन है, दो है ना। दो कब मिलेगा जब तीनों पढ़ाएंगे पैडल में। तीनों से बड़ा कौन होगा 18 ओम का, कौन है इन है, इसका मतलब ये सीरीज का। बाकी दो बच गया वो जरूर मिक्सअप होगा, मतलब या तो ये केस या फिर ये केस, चेक कर लेंगे, ठीक है ना। और यही केस होगा हमारे ख्याल से, ठीक है, 9 के लिए 6 इसका बच, ठीक है। तो सब यहां से इस क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 वैसे ही बनेगा, सिखाए थे पहले भी आपको, या फिर से बोले एक बार, सबसे कम दो में तीन रेजिस्टेंस 6-6 ओम का, 6-6-6 दो सबसे कम हो गया ना, उस तीनों से कम हो गया, तीनों से कम समझ जाओ पैरेलल में। दो तब मिलेगा जब तीनों प्लाइंग में पैरेलल है, मतलब ev6 सॉल्व करेंगे ना, 1/6 + 1/6 + 1/6 कितना आएगा 3/6, 1/2 कट के आएगा, उल्टेगा 2 हो जाएगा। 18 कब मिलेगा जब 6-6-6 को जोड़ेंगे सीरीज में, 18 मिल जाएगा। और ये दोनों ना तो देखो ये क्या है 18 के 2 से भी बड़ा है और 18 से कम है ना, मींस मैक्सिमम से छोटा है मिनिमम से बड़ा है, तो समझ जाना कि वो मिक्सअप वाला केस होगा, दैट मींस इस केस पर काम करना, ठीक है। तो अब 9 कब मिलेगा, 9 तब मिलेगा जब 6 में कुछ जुड़ेगा, हर एक 6 ना, ये भी 6, ई भी 6 और ई भी 6, तो 6 और 6 का रिजल्टेंट 3 आएगा, अरे 6 × 6/6 + 6 3 आएगा ना, 3 + 6 9 हो जाएगा। ये क्या मिलेगा जब ई भी 6, ई भी 6 और ई 6, ठीक है, समझ गया ना। इस चार तरीके से आप तीन रजिस्टर को कनेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम प्राप्त करना है सीरीज में तीनों को, मिनिमम में तीनों पैरेलल में, और उसके बीच का रहेगा तो मिक्सअप करना है, और मिक्सअप करने का तरीका दो ही है, इस दोनों में आप ध्यान रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी है, 5 नंबर, इसको हम कल पैसों आपको सिखाए थे, ठीक है। चलिए रटना भी नहीं है, एग्जाम में कंफ्यूज करोगे फिर, सिंपल तरीका ये है, फर्स्ट नंबर सब कर लोगे अपना, मैक्सिमम कब मिलेगा, मैक्सिमम का केस ये हो गया, मिनिमम केस वह नंबर, ठीक है, इसका कहीं यूज भी नहीं है, ठीक है। फर्स्ट सफा हो गया और फिफ्थ हो गया, फर्स्ट और फिफ्थ खत्म करते हैं। चलिए उसके बाद ध्यान देना, सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी काफी आसान है। सेकेंड में एक बल्ब है और एक आपका है क्या, एक बल्ब और एक रजिस्टर है, बल्ब का रजिस्टेंस 18 ओम है, रजिस्टर का 6 ओम है, टोटल रजिस्टेंस कितना होगा बताओ तुम जी, मुस्कान। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का टोटल रजिस्टेंस कितना आएगा,
ये 6 ओम है, ये 18 ओम है। इस सिस्टम में दोनों का रिजल्टेंट जिसको कहेंगे टोटल इफेक्टिव नेट इक्विवेलेंट कितना आएगा? क्यों बोल रहे हो, क्यों नहीं आएगा? बल्ब भी रेजिस्टेंस ही है, ये बल्ब है ना, बल्ब बना दी है, बल्ब भी रेजिस्टेंस ही है। प्लस सिंपल से बोलना था, अठारह प्लस सौ कितना हो गया? 24। ठीक है, बस समझ गया ना। अब निकालना है टोटल करंट, बताओ क्या करेंगे? टोटल करंट निकालना है, ध्यान देना, आवाज फिर कर रहे हो? टोटल करंट निकालना है। टोटल करंट का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस होगा ना, राउंड टर्म पर बी इक्वल आई इनटू आर, आई कम बी वायर होगा। तो टोटल वोल्टेज कितना निकाले हैं आप, दिया हुआ है ठीक से, यहां से पुट कर देंगे ना, और टोटल आर कितना दिया हुआ है? 24 सर, सॉल्व कर लेंगे, काट के लगा आंसर कट, 1/4 एमएस कैंसिल हो गया। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैंप एंड व्हाट रजिस्टर, लैंप जो है देखो यहां से करंट यहां चला, करंट यहां चला, बोलो यहां से कितना करंट चला है, तुम बोलो यहां से कितना करंट चला था रोगे? इस बैटरी से हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किए, रिजल्टेंट मेरा 24 ओम, करंट कितना निकाल, टोटल निकाले 1/4 एम्पियर, 1/4 एम्पियर आपका टोटल करंट आया है। तुम बताओ हमको ये यहां पर कि बैटरी से कितना करंट चलेगा, सब कुछ तुम्हारे सामने सॉल्व है, 1/4 चलेगा, सिंपल है। जितना टोटल करंट आया ना, टोटल करंट ही बैटरी चलता है, इसका मतलब बैटरी से 1/4 एम्पियर करंट चल दिया, तो सीरीज में दोनों में करंट सेम की डिफरेंट सेम होगा। निकालना है वोल्टेज अक्रॉस बल्ब, ध्यान देना, तो वोल्टेज अक्रॉस बल्ब निकालना है ना, तो बोलिए वोल्टेज अक्रॉस बल्ब, वोल्टेज अक्रॉस बल्ब को ही हम लोग कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस भी कर सकते हैं अक्रॉस बल्ब, बोल भी निकालना है ना, भी इक्वल्स क्या पड़े हो, आई इंटू आर, आई कितना पास किया इससे, इससे आई पास किया 1/4 ना, इंटू आर, आर कितना इसका है 18, काटेंगे 2, 9 कितना है, 9/2 मीन्स कितना 4.5 वोल्ट, मतलब कहोगे सर 18 ओम के अक्रॉस, यानी बल्ब था ना ये, बल्ब के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है 4.5 वोल्ट, बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल हो गया। ठीक है, प्रॉब्लम में जाओ, बताओ इस 6 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, 1.5, क्यों, क्योंकि सब मिला के कितना 6 है ना, सब मिला के 6 है, इस दोनों को जोड़ने पर 6 आना चाहिए, ये 4.5 कितना होगा, कितना होगा 1.5, और चाहो तुम निकाल लो उसको, तो बन जाएगा 1/4 × 6 को, तभी कितना आएगा, ठीक है 1/4 × 6 पढ़ोगे तब भी 1.5 ही है ना। चलिए सब दो बन गया, 2 के बाद 3 नंबर पर ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पूछ के बनाएंगे जन लोग। चलिए देखिए इसके बाद नेक्स्ट, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। चलो मैं नेमिंग कर रहा हूं इसका, इसको आर वन कह रहा हूं, इसको आर टू कह रहा हूं, ये आर थ्री है, ये आर फोर है। चलो बताओगे करंट कहां से इन करेगा, तुम बताओ जी कुछ, पढ़ाओ करंट कहां से इन करवाए, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, बी से या ए से, कितना पूछना पड़ता है, तो कितना बार पढ़ा है इसको, है लेकिन घर में कुछ पढ़ना ही नहीं है, तुम बोलो ऐसे या बी से, कोई एक से पूरा पड़ता है, जिसको डार्क करते कितना होगा, जिसको डार्क करेंगे वहीं से करंट मारना है, वहीं लगाना है बैटरी, मान लो इसका मतलब करंट कहां चलेगा, ए से या बी से, कहीं एक से चलेगा, ए या बी किसी एक पॉइंट से करंट को आपको फ्लो करवाना है, किसी भी एक पॉइंट से। ठीक है, चलिए करंट यहां से चला गया ए से, तुम बताओ जी उसका आंकड़ा होगा, आर थ्री ये है और आर फोर ये है, आर थ्री और आर फोर सीरीज में है कि पैरेलल में है, में क्यों पैरेलल में है,
करंट यहां से चला, करंट जब कुछ यहां गया कुछ इस तरफ और कुछ इस तरफ गया ना, इसका मतलब ये तीन, ये ब्रांच और ये ब्रांच तीनों क्या हो गया पैरेलल नहीं हो गया। करंट यहां से बट गया, ये ब्रांच में लग गया, इसमें अलग गया, इसमें लग गया, इसका मतलब ये तीनों ब्रांच आपस में क्या हो गया पैरेलल। ठीक है, तो खड़ा हो गए तुम विक्रम, ये टेंथ ऑफ टू थ्री और फोर को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट ऑफ टू थ्री फोर को शॉर्ट में किस सिंबल से दिखाते हैं, रिजल्टेंट ऑफ आर टू, रिजल्टेंट ऑफ आर थ्री, रिजल्टेंट ऑफ आर फोर को शॉर्ट में क्या कहेंगे, सिंपल है आर टू थ्री फोर ना, नहीं हो गया आर टू थ्री फोर मतलब क्या, रिजल्टेंट ऑफ टू थ्री एंड फोर तीनों पैरेलल में, पैरेलल में तीन रेजिस्टेंस रहेगा, शॉर्ट ट्रिक पढ़ा था इसका हम, फॉर्मूला है ना, ऊपर में तीनों को गुना करते हैं ना, आर टू इंटू आर थ्री इंटू आर फोर, नीचे में ए बी पढ़े हो ना, फिर प्लस क्या होगा बी सी, फिर प्लस ए सी, सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है ना, टू थ्री थ्री फोर टू फोर सही है। बोलो आर टू का मान क्या दिया क्वेश्चन में, बैठ जाओ वन ओम, आर थ्री का मान पांच, आर फोर का मान फिगर में दस, बाय आर टू इंटू आर टू मीन्स पांच, आर टू मीन्स वन इंटू टेन प्लस आर थ्री मीन्स टेन इंटू फाइव, वही बात हुआ फाइव इंटू टेन कहेंगे ना, फाइव इंटू टेन, और आर टू मीन्स आर टू मतलब क्या होगा वन इंटू आर फोर का मतलब कितना हो गया, सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना आएगा ये दस बजे पचास, पचास दस साठ और दस आर टू कमान वन आर थ्री कमान फाइव, तो कितना हो गया पचास दस साठ पांच पैंसठ हो गया ना, बारह पचे साठ और तेरह पचे पैंसठ, बारह बाई तेरह आ गया, ये रिएक्टेंट किसका आया, तुम बहुत ज्यादा बात कर रहे हो मुस्कान, शांत रहो तुम, वही तो करें दिमाग शांत रहेगा तो यहां कोई क्लास में शांत हो रहा उसे पढ़ने वक्त। आर वन का आर टू का मान कितना हो गया वन, आर थ्री कितना हो गया आपका फाइव, आर फोर कितना हो गया टेन, गुना करें कितना आएगा ये फिफ्टी आएगा, नीचे मारिए आर टू मीन्स वन आर थ्री मीन्स कितना हो गया फाइव प्लस आर थ्री मीन्स फाइव इंटू आर फोर मीन्स टेन हो गया प्लस फिर आर टू मीन्स वन इंटू आर फोर मीन्स टेन, टेन यहां पर है प्लस फिफ्टी हो कितना सिक्सटी और फाइव सिक्सटी फाइव हो गया ना, काटेंगे इसको बारह पचे बारह बारह से कटेगा नहीं, दस बचे पचास हो गया और तेरह बचे पैंसठ, दस बाय तेरह ओम आ गए। इसके बाद हम ये तीनों हो इसमें, ये तीनों कार यदि मिल गया ना तीनों हट जाएगा, तीनों हटेगा तो कैसा बनेगा फिर इसमें और डिजाइन थी ध्यान से, ये यहीं पड़ा गया बगल में कौन दस बचा हुआ है ना, दस ओम है जिसका मान कितना है आर वन का, इसको हम लोग इस तीनों को के बदले आप सिंगल पीस लाए ना, बी जो कहते हो अभी है बोलो इस तीनों को हटा करके सिंगल टर्म आया कितना उसको निकाले हैं आर टू थ्री फोर कितना है ये दस बाय तेरह ओम सही है। अब बोलो तुम पढ़ाओ जी, तुम ही पढ़ रहे हो उसको देखो उसको देखो, ये दोनों किसमें सीरीज या पैरेलल, सीरीज में तो दोनों में करंट सेम डिफरेंट बोलिए सेम, बैठ जाओ खड़ा होइए आप, तो बोल दो रहा हो क्या, देयरफॉर रिजल्टेंट बैठ जाओ बैठ जाओ, वन टू थ्री फोर इस दोनों का रिजल्ट क्या होगा दस प्लस दस प्लस, सॉल्व कर लेंगे इसको जो भी आएगा 114 बाय 13 आंसर आएगा। ठीक है, सब लिखने का तरीका है सब ध्यान रखिए, कैसे पहचानना है पैरेलल ये सब भी, क्वेश्चन नंबर चार को सॉल्व किए हो, क्वेश्चन नंबर चार सॉल्व हुआ है, देखिए एक मोल का मतलब क्लास नाइन्थ में पढ़े थे आप,
एक मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 एटम्स होता है, या इसी को मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, या इसी को आयंस भी बोलते हैं, सही है। आपने एक मोल लिया इलेक्ट्रॉन का, एक मोल इलेक्ट्रॉन का, तो वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना हो गया 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 इलेक्ट्रॉन नहीं हो गया, इलेक्ट्रॉन एक तरह का आयंस हो गया, ठीक है। चलिए ध्यान दे फिर से, इसी को क्या करना है आपको सॉल्व थोड़ा सा, ताकि सॉल्व करने में दिक्कत नहीं हो। 6.022 को आप अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेंगे, 6 इंटू 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब इसको शॉर्ट में इतना मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 0. समथिंग है ना, तो बहुत कम है ये, 0.5 से भी कम है, नहीं है 0.5 भी नहीं है, 0.5 भी नहीं है, उससे भी कम है, इतना मान लीजिए। अब कहो से एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज पड़े हो, एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज पड़े हो कूलम, तो निकल जाएगा इतना में कितना होगा, तो 6 × 10⁻², इलेक्ट्रॉन में कितना होगा 6 × 10⁻², में गुना कर देंगे इसको, सॉल्व करने कितना आएगा ये 16 × 96 9.6 × 10⁻⁹ कितना आएगा 4 कूलम आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है ना। एक मोल में, एक मोल में इतना इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, एक मोल मीन्स इतना भी इलेक्ट्रॉन है ना, इतना में कितना गुना कर देंगे, ठीक है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहे, एक मोल में, दो मोल में, तीन मोल में, फिर आपको बन जाएगा मोल, थोड़ा सा केमिस्ट्री यूज किया गया इसमें, लेकिन फिर भी ये क्लास 10th का ही क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एंड पॉइंट भी सही है, पॉइंट को काट सकते हैं। चलिए चार नंबर तक हो गया, चार के बाद पांच नंबर पे जस्ट काम किया हूं मैं, अभी पांच जा रहा हूं, चलिए बात नहीं। पांच के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान देना, 132 ओम का कितना रेजिस्टर पैरेलल में लगाएं ताकि बैटरी से करंट कितना एम्पीयर चल दे, 5 एम्पीयर चल दे, अगर उस बैटरी का पोटेंशियल कितना है 220 वोल्ट है। देखिए आंसर एकदम सिंपल है, ये मान लो रेजिस्टर है, 1, 2, 3 डॉट 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 मीन्स आगे कितना लगाए हैं ये पता नहीं, ठीक है। बैटरी कितना वोल्ट का है, बैटरी 220 वोल्ट का है, हर एक रेसिस्टर कितना ओम का है, 132 ओम का हर एक रेसिस्टर दिया हो, ठीक है। कितना आप पीस लगाए पता नहीं, मैं आपको मान लीजिए एन पीस लगा दिया गया, ये भी हाईली इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनसर्टिन दिया हुआ भी यही, लेट एन या एक्स मान लेंगे, रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन व्हाट पैरेलल, मान लो पैरेलल में आपने कुल मिलाकर कितना पीस लगाया है, एन पीस या एक्स पीस मान लेंगे इसको, ठीक है। एंड नाउ देयरफॉर रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, दो पीस नहीं है, तीन पीस नहीं, जो आप शॉर्ट लगा दीजिएगा, यहां बहुत पैसा है ना, तो पता हमको नहीं एन पीस है, और पहला आपका कितना होगा 1/132, दूसरा का 1/132 सही है, इस तरह बढ़ेंगे कहां तक, एन टर्म तक, सबका एलसीएम बोलो कितना आएगा, सबका एलसीएम तो 132 ही होगा ना, 1 प्लस फिर 1 प्लस कहां तक जाएंगे, एन तक, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 एन तक जाएंगे, एन पीस एक का सम कितना है, एन ही होगा ना, अरे दो पीस एक को दो गुना एक करते, तीन पीस एक को 3×1 करते, चार पीस एक को 4×1 करते, एन पीस एक n×1 एन हो गया भाई, कितना 132, इसका मतलब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, उल्टा ही ना 132/n, जब भी इस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो आर 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 1/r3 और लास्ट में उलटना पड़ेगा, उलट दिए रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिल गया, ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है जिसको टोटल रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। और बैटरी से कितना करंट चला है लिखा हुआ है ना, 5 एम्पीयर बैटरी से करंट चला, ये कौन करंट है, ये है टोटल करंट, जब करंट टोटल है वोल्टेज टोटल दिया हुआ है तो क्या रेजिस्टेंस टोटल निकल जाएगा, तो करंट टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल करंट आपके पास दिया गया है 5 एम्पीयर, 5 फुट कर दिए, टोटल रेजिस्टेंस कितना निकाले हम लोग 132/n फुट कर दिए और सब मिलाया कितना वोल्टेज दिया हुआ 220, काटेंगे 11 कहीं 11
22, 11, दूनी 22, 0, 12, 4, 5, कितना आ गया? 5 कट गया, एन का मान कितना आ गया? 4, चार ऐसे ऐसे चार पीस लगाएंगे, मतलब बस इतना आगे बढ़ने का काम ही नहीं है, एक दो तीन और चार पीस लगाने के बाद स्टॉप कर दीजिए, ठीक है? मीन्स 132 ओम का चार पीस लगाना पड़ेगा, ठीक है? ये तरीका है, नहीं दिक्कत कुछ बोलोगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 7 एक बचा है, 8 भी सिंपल क्वेश्चन है, चलिए मिटाएं इसको ना, घर पे आओ दोबारा फिर से नोट कर लोगे इसको अच्छे से, जिसको इंपोर्टेंट कर रहे हैं हम, जितना भी सारा इंपोर्टेंट कर में क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसको इंपोर्टेंट कहते हैं जान लीजिए आप, एग्जाम में बिल्कुल गारंटी मान के वो आता है। गलती कटा होगा लेकिन तरीका वही है, गलती काटना थोड़ा और बड़ी बात नहीं कर सकता। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ा लीजिएगा, 7 नंबर है पर ट्रायंगल शेप में है फिगर, ट्रायंगल शेप में फिगर है, करंट चलेगा, करंट कहां चल रही है? बैटरी चल रही है, चल दिया यहाँ भी, जैसे यहाँ पहुंचा करंट को दो रास्ता, एक रास्ता इधर एक रास्ता इधर, इसको आर वन कह रहे हैं, इसको आर टू कह रहे हैं, हम जिनसे पूछेंगे जवाब ये आर थ्री है, ये आर फोर है, ये आर फाइव है, तुम बताओगे नंदनी बताओ, तो यहाँ पर कौन सा दो रेसिस्टर सीरीज में दिखाई पड़ रहा है फिगर में, आर वन आर टू आर थ्री आर फोर आर फाइव में, आर वन और आर टू सीरीज में, तुम बताओ जी सत्या, आर वन सबसे नीचे है, ये आर वन है, ये आर टू आर थ्री आर फोर आर फाइव, आर टू आर टू सही है, सही है, आर टू और आर थ्री है सीरीज में, ठीक है? बट देखो कैसे सीरीज में आता है, बहुत सिंपल, तो इतना दिमाग आता नहीं, यहां से करंट गया, करंट यहां पहुंचा, करंट बट गया ना, करंट बट गया तो कभी भी आर वन आर थ्री आर टू के या आर वन आर फोर के पैरेलल नहीं होगा, सीरीज में नहीं होगा, ठीक है? करंट यहां बट गया समझो आप पैरेलल में हो, तो ये रेजिस्टेंस इस दोनों के पैरेलल में, अब जो करंट इस ब्रांच में गया वही करंट यहां आएगा, इसका मतलब इस दोनों किसमें है? सीरीज में, आर टू आर थ्री सीरीज में, बोलिए आर टू आर थ्री सीरीज में, तो आर टू थ्री का मान तो मतलब कितना आएगा फास्ट में बिना सॉल्व किए, आर टू थ्री मीन रिजल्टेंट ऑफ टू एंड थ्री कितना आएगा? 6, बिल्कुल सही है ना, 6 ठीक है, यहां तक इस दोनों खड़ा ही है, देखिए फिगर क्या ना, इस दोनों खड़ा दीजिए, देखो यहां पर सिंपल में ये ऐसे रहेगा, बैटरी जोका क्यों रहेगा, ये आपका एमीटर भी जोका क्यों रहेगा, स्विच भी जोका क्यों रहेगा, सब कुछ वैसा ही है, बस खाली उस दोनों को रिप्लेस कीजिए एक सिंगल टर्म से, वो सिंगल टर्म बोलो क्या बन जाएगा, इस दोनों खड़ा दिए ना सिंगल आके कितना ओम का, आर टू थ्री कितना ओम का, ये 6 ओम, ये कितना है 0.5, ये कितना है 3, ये कितना है 0.5, क्या मानेंगे इसको, आर वन, ये क्या है आर फोर, और ये क्या है आर फाइव। चलिए फिर देखिए आगे फिगर कुछ सिंपल हुआ ना, फिर भी वो अभी भी करंट यहां चला, करंट बढ़ गया ना, मीन्स ये दोनों किसमें है पैरेलल में, इसका रिजल्टेंट को शॉर्ट में क्या कहेंगे, आर टू थ्री फोर, पैरेलल का शॉर्ट प्राइम 6 × 3/6 + 3 कितना आएगा 18/9 आएगा, मतलब इस दोनों को रिप्लेस कीजिए, देखो ये दोनों हट जाएगा इस तरह से, ये दोनों हट के एक सिंगल टर्म बन गया, इसको आर टू थ्री फोर कहें कितना आ गया 6 × 3 9, ये जो का क्यों रह गया, बैटरी भी वैसा ही रह गया, एमीटर भी वही है और स्विच भी वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने इसमें नहीं है। चलिए अब बोलो यहां फिर 0.5 नहीं है,
ये कितना है? हाँ तो ये होगा। और ये कितना आया? अब ये तीनों किसमें आ गया? सीरीज में जोड़ लेंगे, बन जाएगा। ठीक है, फिगर को आपको हर हाल में रिड्यूस करना पड़ेगा, तो समझ में आ गया। फिगर रिड्यूस किया गया, पहले दोनों मर्ज किए, ये बना। देखो मर्ज कैसे करें, दोनों लोग होते हैं, ये दोनों पॉइंट वही है ना, वही पॉइंट भी, सिर्फ ये दोनों मिल करके एक सिंगल बन गया। बस यहां पर ये दोनों मिल करके सिंगल बन गया, पॉइंट अभी वही है ना, उस दोनों लिंक लिंकअप पॉइंट को तोड़ना नहीं, लिंकअप पॉइंट वही रहेगा, सिर्फ दोनों मिलाकर सिंगल में ज्वाइन करना बस। ठीक है, सात नंबर कट हो गया ना। एमीटर का रीडिंग क्या होगा? रीडिंग के लिए पास आपको करना क्या है, टोटल करंट इक्वल टोटल वोल्टेज बाय आर निकालेंगे। वोल्टेज का मान तीन दिया है, आर निकालेंगे वहां सॉल्व करके, पुट करेंगे बन जाएगा। ठीक है, जो भी आएगा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आठ सब कर लोगे। आठ में एक वायर को पिघलाया गया, एक वायर का रेजिस्टेंस कितना ओम है? 16 ओम है। पिघलाएंगे तो वायर को पिघलाने के बाद पूछा गया कि उसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। प्रो वायर को पिघलाएंगे तो उसका कौन सा प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगा? मेटेरियल चेंज नहीं करेगा। सोना को पिघलाएंगे, सोना मिलेगा ना, इसका मतलब कहेंगे दोनों का रेजिस्टिविटी शुरुआत केस में इनिशियल केस का रेजिस्टिविटी किसके इक्वल है? फाइनल केस के रेजिस्टिविटी के इक्वल है। शॉर्टकट में बनेगा ये, इसलिए यूज कर रहे हैं इसको। रो आई इक्वल टू रो एफ। ठीक है, जो आपको पढ़ाया शुरुआत में पढ़ाया ना, इस फॉर्मूला का यूज करके, वो तो लंबा जाता है, ये शॉर्ट बन जाएगा। इनिशियल रेजिस्टिविटी इक्वल टू व्हाट? फाइनल रेजिस्टिविटी। क्यों? बिकॉज मेटेरियल सेम, मेटेरियल चेंज करे तो चेंज करेगा। अब रो का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपको? रो का फॉर्मूला पढ़ा है ना, आर ए बाय एल। और इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 16। शुरुआत में दिया 16। सीएसए कितना हो गया? ए। लेंथ कितना है? एल। बाद का रेजिस्टेंस आर डैश मान लिए, निकालना है ना। सीएसए कितना होगा इसका? जब लेंथ हाफ हो गया, सीएसए डबल हो गया ना, जब लेंथ हाफ हो गया, लेंथ को आपने हाफ कर दिया, वायर को मोटा कर दिया गया, तो ये हो गया। लेंथ कितना हो गया? हाफ मीन्स एल बाय टू। टू कहां जाएगा? ऊपर, सही है। एल एल ए ए दो चार कट गया, आर डैश कौन कितना आ गया? चार। शॉर्टकट बन गया आंसर। एक ये आपका हो रेजिस्टेंस, नया कितना होगा उसके बाद निकालना परसेंटेज कितना चेंज किया। सिंपल है, परसेंटेंस घटा की बढ़ा? घट गया ना, शुरुआत में था 16, हो गया 4, तो डिक्रीज परसेंट निकालना है। तो फॉर्मूला क्या पड़े? डिक्रीज बाय ओरिजिनल इनटू 100। डिक्रीज घटा कितना? शुरुआत में था 16, हो गया 4, घटा कितना? 12। नहीं कम गया? था 16, हो गया 4, तो कमा कितना? 12। शुरुआत में था कितना? ओरिजिनल कितना था? 16। गुना कितना? 100। सॉल्व कर लेंगे इसको, जो आएगा बन जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। 9 पे आ जाए। 9 में कहा गया विच टू रेजिस्टर आर इन सीरीज, इनमें कौन सा दो सीरीज में है? सोच के बोलिएगा। करंट यहां चला, करंट यहां पहुंचा, करंट यहां पहुंचा, करंट जैसे यहां पहुंचा करंट पट गया ना, ये ब्रांच इस ब्रांच के पैरेलल में। ठीक है, मतलब ये तीनों आपस में है, पैरेलल नहीं है, जब यहां भी करंट पट जाएगा फिर, इसका मतलब सीरीज में आर फाइव और आर फोर नहीं है। अरे सारे करंट को समेट तो यहां आएगा, ये मतलब आर फाइव और आर फोर किसमें है? सीरीज में, पर बन जाएगा। पैरेलल में कौन है? पैरेलल में आर टू आर थ्री कह सकते हो, नहीं है, आर टू पड़ गया, आर थ्री इधर गया। ठीक है, आर टू आर थ्री सही है, आर वन आर थ्री भी सही है, तो कोई भी दो आंसर। उसके बाद निकालना है व्हाट इज करंट इन सर्किट, निकल जाएगा करंट भी, टोटल रेजिस्टेंस निकाल करके टोटल वोल्टेज भागा देंगे बन जाएगा। क्या बोले? हाँ नहीं जाएगा, यहाँ से पहले पट गई, ये पट गया इसके, इसका मतलब कुछ करंट यहाँ गया और कुछ यहाँ गया, ये नीचे नहीं जाएगा, ऊपर चल जाएगा। ठीक है,